नमस्कार, मैं हूं पुनीत त्रिपाठी। अब वक्त हो चुका है खबरों की तह तक में जाने का। राजनीति में भविष्यवाणी करना आसान नहीं रह गया है। जैसे कांग्रेस के लिए चुनावी मैदान में उम्मीदवारों को उतारना कठिन होता गया है, देश की सबसे पुरानी पार्टी इतिहास में पहली बार इतने कम सीटों पर चुनाव लड़ रही है। रायबरेली से अगर राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ते तो हिंदी पट्टी के राज्यों में चुनाव लड़ने वाला कोई दूसरा बड़ा नाम नहीं होता। ऐसे में राष्ट्रीय कद के किसी स्टार प्रचारक का नाम लेना और कठिन है। यूं तो मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन अकेले उनके नाम पर शायद ही कहीं ठीक ठाक भीड़ जुटाई जा सकती है। ऐसे में वो सबसे कम सीटों पर चुनाव लड़ते हुए भी केंद्र में वापसी का बड़ा सपना देख रही है। तो किसी वजह से ये वजह छिपी है 2004 में। क्या है वो काट की हांडी, आइए चलते हैं उसकी तह तक में। अठारहवीं लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस आमतौर पर 400 से अधिक यानी 80% से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ती रही है। ऐसा पहली बार है कि वो इससे कम सीटों पर चुनाव लड़ रही है। अब कि उसने 328 सीटों पर ही उम्मीदवार उतारे। कुल उम्मीदवारों में इनकी हिस्सेदारी 4.95% ही होती है। इतिहास में ये उसके सबसे कम उम्मीदवार हैं, जबकि वो 5 बार 500 से अधिक उम्मीदवार खड़े कर चुकी है। सबसे अधिक 1996 में, तब उसके 529 सीटों पर उम्मीदवार थे। इसके अलावा कांग्रेस 1984 में 517, 1967 में 516, 1989 में 510 और 1991 में 500 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। जहां तक पिछले चुनाव की बात है तो 2019 में 421, 2014 में 464 और 2009 में 440 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। लेकिन 2004 में 417 सीटों पर ही चुनाव लड़ने के बावजूद वो केंद्र में क्षेत्रीय दलों के साथ मिलीजुली सरकार बनाने में सफल हो गई थी। तब उसने 417 उम्मीदवार खड़े किए थे, उनमें 145 जीते थे, उसे 26.53% वोट मिले थे, जबकि बीजेपी ने 364 उम्मीदवार खड़े किए थे जिनमें 138 चुने गए। बीजेपी को 22.16% वोट मिले थे। आंकड़ों के हिसाब से वामपंथी पार्टियों की स्थिति अच्छी रही थी। 2004 में CPI-M के 69 में से 43 उम्मीदवार जीते थे तो CPI के 34 में से 10। तब बसपा ने सबसे अधिक 435 उम्मीदवार खड़े किए थे, लेकिन उनमें से 19 ही जीते, जबकि शरद पवार की पार्टी NCP के 32 में से 9 चुने गए थे। अब 20 साल बाद कांग्रेस को 2004 वाली काट की हांडी में खिचड़ी पकने की उम्मीद है, जबकि तब से अब तक वामपंथी पार्टियों का जनाधार सिर्फ केरल तक सीमित रह गया है। पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा जैसे राज्य उसके हाथ से निकल चुके हैं। ऐसा ही कुछ मुलायम सिंह की पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ है। बसपा के साथ गठजोड़ के बावजूद 2019 में सिर्फ 5 सीटें जीत पाई थी। अब मुलायम सिंह हैं भी नहीं। पारिवारिक कलह से अखिलेश अंत तक उम्मीदवारों को बदलने में लगे रहे। बसपा को पिछले चुनाव में सपा से दुगनी सीटें जरूर मिली थी, लेकिन तब से अब तक यमुना में बहुत पानी बह चुका है। 2004 में RJD सुप्रीमो लालू यादव देश के सबसे बड़े क्षेत्रीय नेता माने जाते थे, इसलिए लोकसभा में RJD के 22 सांसद थे। ये संख्या 2009 और 2014 में 4-4 पर आ गई। 2019 में तो खाता भी नहीं खुला। उधर महाराष्ट्र में शरद पवार की पार्टी 2 फाड़ हो चुकी है। हिंदी पट्टी के क्षेत्रीय दलों के ऐसे गिरते ग्राफ से कुछ अलग खुद कांग्रेस का भी हाल नहीं हो रहा है। लोकसभा की 80 सीटों वाले उत्तर प्रदेश में 2019 में कांग्रेस के टिकट पर जीतने वाली सोनिया गांधी इकलौती थी। इसके उलट 2024 से बीजेपी के लिए 2004 से काफी अलग है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी बड़ा फर्क कमजोर विपक्ष है। PM पद के लिए कोई एक नाम नहीं है, इंडी गठबंधन तो सिर्फ नाम का है। पंजाब, पश्चिम बंगाल से लेकर जम्मू कश्मीर तक इस गठबंधन में शामिल दल एक दूसरे के खिलाफ चुनावी मैदान में हैं। इसलिए बड़ा सवाल फिर यही है, काट की हांडी बार बार चढ़ेगी क्या? अगर इसी तरह आप हमारे साथ जुड़कर किसी खबर की तह तक जाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर।